यहाँ पे हमने काम क्या करना है, कमांड लाइन सेलेक्ट करी, नेक्स्ट कर दिया। डिक्शनरी और सेट्स वगैरह हम ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे नेक्स्ट करा। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही क्रिएट कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट कर दे रही हूँ मैं। ठीक है, सेट कुछ इस तरह का ही होता है, मतलब आप ये कह सकते हो एरे टाइप की चीज़ ही होती है। सही है, जैसे हम एरे वगैरह लेते हैं उसी तरीके से हमारे पास सेट्स वगैरह भी होते हैं। सही है, अब इधर फोकस कर लो। अच्छा, हम सेट लेते कहते हैं वेरिएबल, माय सेट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और मैंने कहा ये इक्वल है सेट, करेक्टर इस तरह, और इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया। ठीक है, अब मेरे पास मैंने कहा कि भाई मुझे अगर कुछ प्रिंट कराना है, काउंट प्रिंट कराना है कि भाई सेट्स की जो है वो काउंट क्या है या एलिमेंट्स क्या हैं इसके अंदर, तो पहले हम इसके अंदर कुछ पहले प्रिंट करा लेती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। मैं भाई फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, माय सेट डॉट इसका बिल्ट इन होता है। अच्छा, एक बिल्ट इन आपने देखा होगा कि एरे की क्लास लेके हम जब एरे के अंदर चीज़ें ऐड और इस तरह करते होते हैं, तो इसी तरीके से सेट्स भी ना कुछ उसी तरह की बिल्ट इन टाइप की है। ठीक है ना, मैंने कहा माई सेट डॉट काउंट, काउंट का मतलब ये होता है कि ये बताता है कि आपके सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है ज़ीरो, यानी मैंने इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ऐड नहीं करा। तो मैंने यहाँ इस तरह भी हम लिख सकते हैं इस पर, जो हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं ना, हम एक साथ में हमने कॉन्केटिनेट भी करनी है चीज़ें, हमने यहाँ लिख दिया भाई सेट लेंथ या नंबर ऑफ आइटम्स। आइटम इज कॉलम, ठीक है, नाउ प्ले करके दिखा रही हूँ मैं। अब मेरे पास इसमें जो भी चीजें आ रही हैं इस तरह से आ रही हैं, इसमें मुझे चीजें ऐड करनी है। ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे करना क्या, अपने सेट का नाम लिखा माई सेट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करेक्टर ही कराना है। तो करेक्टर हम जहाँ डबल कोटेशन में ही कराते हैं, लेकिन एक ही चीज़ कराते हैं, ए करा दिया मैंने। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है।
जी ठीक है। और अब हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। आप अगर काउंट देखूंगी ना मैं, तो मेरे पास काउंट जो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। हम इसकी एड्रेशन नहीं देख रहे, सिर्फ काउंट देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर एलिमेंट अगर ऐड हुआ है, हमने जो इंसर्ट कराया उसके बाद हमारे काउंट में कितना फ़र्क आ रहा है। शुरू में हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए, इसके बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, थ्री आना चाहिए, क्योंकि मैंने तीन ही इंसर्ट कराया। अब मुझे इंसर्ट कराना है, अगर ज़्यादा चीज़ें इंसर्ट करानी है तो मैं लूप से करा दूँ, ठीक है। अब लूप से कराने में क्या है, लेट सपोज मैंने कहा भाई मुझे लूप से कराना है, फॉर आई एन ज़ीरो डॉट, यानी मुझे कहाँ तक चलाना है, आई से वन से चला लें, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे 20 तक चलाना है या मुझे 10 तक चलाना है, सही है। अब मुझे जो इंसर्ट कराने जा रही हूँ वो मुझे कराना है आई। अब आई क्या है, मेरे पास इंटीजर है और ऊपर मेरे पास क्या बना हुआ है, करेक्टर सीक्वेंस बनी हुई है, बात समझ में आ रही। तो वो ये कह रहा है कि जो एक मिनट कर ली ब्रैकेट्स बना दूँ ज़रा मैं फॉर के, ठीक है। अब जो ये मुझे एरर देगा, अब वो मुझे क्या एरर डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि भाई कैरेक्टर है, आपने इंटीजर पास किया, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको जो है वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। मेरा कैरेक्टर है तो ये कह रहा है कैरेक्टर में ही करो, ओके। हम यहाँ स्ट्रिंग की जगह पे कैरेक्टर ही लिख लेते हैं, ठीक है, कि भाई इस चीज़ को एज अ कैरेक्टर ही सपोज कर लो। देखते हैं इसका क्या करना है। ये डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ए लिया मैंने, तो मैंने कह दिया बस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस इक्वल्स टू स्ट्रिंग आई एक्सप्लेनेशन मार्क देन ए, स्ट्रिंग ठीक है। पहले मैंने स्ट्रिंग में कनेक्ट किया, फिर इसको करेक्टर में किया, फिर मैंने इसको पास किया है इसके अंदर माई सेट के अंदर, भाई अब ये इंसर्ट हो गया। नाउ लेट ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है,
आई थिंक सो वो उसके बाइनरी को ले ले रहा है, रहने तो फिर इसको डायरेक्टली ए टू जेड ही कर ले रहे हैं। और ना भी लगाओ अच्छा, अभी हम जो अपना है वो उसको वैसे ही रखते हैं, फिर वो ए बी सी डी के लिए ना करने के लिए मुझे ना इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस तरह हमारे पास ये होता है ना कि हम नंबर्स को 65 को और इसको कन्वर्ट कर देते हैं उसमें, ठीक है, तो वो मैं करवा देती हूँ, वो लूप से ही होगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये है, अभी हम इसका वो चला के देख लेते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं, एट्रिशन चला लेते हैं। अच्छा एम्प्टी करेंगे तो एम्प्टी भी हो जाएगा, अगर कंटेन वो पर्टिकुलर अल्फाबेट करता है वो भी होगा, अगर पर्टिकुलर एक को ही रिमूव करना है तो वो भी रिमूव हो जाता है इसके अंदर, सही है। सॉर्ट करना है, सॉर्ट भी होते हैं इसमें, सही है। अब प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर आइटम इन माय सेट, और प्रिंट के अंदर, मैंने यहाँ पे दे दिया भैया आइटम्स, ठीक है, ये तो प्रिंट कर देगा आपको जितने भी हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आ रहा है जी ए, ठीक है, जी ए एम, अब ये इस तरह आ रहा है। अब मैंने कहीं सॉर्ट करना है, ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए मैं इधर लगाऊंगी डॉट सॉर्टेड। अब ये सॉर्टेड का मैंने मेथड किया है, नाउ लेट्स सी, ए जी एम, सही है, तो मुझे सॉर्ट करके ये डिस्प्ले करके देगा, समझ में आई बात। अच्छा, इस सॉर्टेड से पहले अगर मैं कुछ रिमूव करवा दूँ, ठीक है, कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर जो है वो रिमूव कर दो, तो मैंने कहा माई सेट डॉट रिमूव, मुझे क्या रिमूव करना है, मैंने कहा एम को रिमूव कर दो, ठीक है, और इसके बजाय हम जो है वो रिमूव करवा के और चीज़ें ऐड करवा रहे हैं, ठीक है ना। ऐड करवाने के लिए मैंने कहा भाई टी और क्यू, ठीक है, तो शुरू में मेरा काउंट कुछ और होगा, नीचे मेरे पास कुछ और होगा, एलिमेंट्स मेरे पास कुछ और होंगे, ऊपर जीरो दे रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो चार हो चुका है, एक हटाया दो डालें तो ए जी क्यू टी, अब एम नहीं आ रहा क्योंकि एम मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया है, रिमूव करने के बाद दो इंसर्ट करा दिए, और दोबारा से हम जो है वो इसका प्रिंट करवा सकते हैं कि भैया अब मेरे पास काउंट कितना है, ठीक है, अब फोर हो चुका है, पहले जीरो था, थ्री था, फिर टू रिमूव हुए, और अब मेरे पास कितने हैं यहाँ पे, फोर काउंट है, ठीक है। ये हमारे सेट्स कहलाते हैं, अगर कोई चीज़ सामने चेक करनी है ये इसके अंदर कंटेन करता है या नहीं करता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। जब मैं बता रही थी चेक एफ
कंटेन इन अ सेट और नॉट। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कंटेन ठीक है F। और अब हम इसको चला के चेक करेंगे ठीक है। फॉल्स मतलब कंटेन नहीं करता, करेगा। अब लेट सपोज अगर मैं क्यू चेक कर रही हूँ या कुछ और चेक कर रही हूँ तो मैं वो भी चेक कर सकती हूँ, तो उसका आंसर जो है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। लेट सपोज मैंने जो है वो यहाँ पे चेक किया, क्यू को चेक किया, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए कि भाई ये कंटेन करता है। ठीक है, एक में ट्रू आ रहा है, एक में फॉल्स आ रहा है। अगर कंटेन करता है तो ट्रू है, और कंटेन नहीं करता वो अगर अल्फाबेट या वो चीज़ है तो वो फॉल्स है। इसी तरह माई फ्लैट डॉट एम टी है, एम टी क्या करता है, आपका ये पूरा का पूरा जो है वो इस एम टी में आप चेक कर सकते हो कि वो एम टी है या नहीं ठीक है। और आपने पूरा ही रिमूव कराना तो आप पूरा भी रिमूव करवा सकते हो। अच्छा, सेट्स के ऊपर हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में जो सेट्स होते हैं, क्या होता है उसमें, उस पर आप इंटरसेक्शन, यूनियन, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो, करते हो ना, इसी तरह इसमें भी कर सकते हो। फिलहाल इतना नोट करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कराती हूँ। यहाँ पे अब हम कर रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट करेंगे सेट सही है। यहाँ पे हम सेट्स के बारे में काम करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट सपोज लिया लेट इवन, या इवन कह सकते हो, इवन कॉलन सेट, और यहाँ मैंने कह दिया मेरी जो वैल्यू है वो इस तरह जो आपकी इवन नंबर्स होते हैं ठीक है, 10, 12, 14, 16, 18 ठीक है। इसी तरीके से लेट पार्ट ये भी मेरे पास सेट है, ठीक है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं सेवन नाइन इलेवन थर्टीन
फिफ्टीन सेवेंटीन, ठीक है यहाँ तक मैंने ले लिया, सेवन से ले लो ज़्यादा बेटर, वरना एलिमेंट ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो हो चुके हैं। अच्छा, दो मैंने भाई यहाँ पे ये कर लिया है। ठीक है, इसके बाद प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। इसी तरीके से मैंने लेट करा प्राइम, ठीक है, डायरेक्टली ले रही हूँ, उसको सेट नहीं बना रही, तो नॉर्मल एरे जिस तरह लेते हैं। टू अपने टेबल में ही आता है, थ्री भी अपने टेबल में आता है, फाइव भी अपने टेबल में आता है, सेवन भी अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आते। ठीक है, इस तरह एलेवन भी होते हैं, सो ऑन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे डिफाइन करूँ या डिस्प्ले करूँ या कुछ भी करूँ, लेट सपोज मैंने कहा प्रिंट, मुझे क्या कराना है प्रिंट, क्योंकि मुझे डिस्प्ले कराना है। मैंने कहा प्रिंट में मुझे क्या रखना है, जो मेरे पास ऑड नंबर है वो उसको यूनियन करो। ठीक है, अब ये यूनियन किसके साथ करेगा, इवन नंबर के साथ मिलाएगा, यानी ऑड और इवन नंबर को मिलाएगा, और उसके बाद ये क्या करें, सॉर्ट करें और मुझे प्रिंट कर दो। नाउ लेट्स सी, अगर इस तरह प्रिंट अगर डिस्प्ले कर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम फिर फॉर के लूप में ही आगे लगाएंगे इसको। ठीक है, खैर इसने इस फॉर्मेट में मुझे डिस्प्ले कर दिया है। अब इसने इवन और ऑड दोनों नंबर मिला दिए, इवन और दोनों नंबर को मिला के मैंने सॉर्ट करवाया। सॉर्ट करने का मतलब है कि सीक्वेंस में लिखो, तो मेरी सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अगर मैं सॉर्ट नहीं करती तो पहले एक आता, फर्क देखो। ठीक है, तो पहले एक आता फिर दूसरा आता, अगर मैं इसको सॉर्ट नहीं करती। ठीक है, तो पहले ये वाला आ रहा होता हमारा, तो ये आगे पीछे, फिर दूसरा वाला हमारे पास आगे पीछे आ रहा होता, ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होता। और अगर हम सॉर्टेड कर देते हैं तो मेरे पास सॉर्ट हुआ आएगा। सही है, दूसरी चीज़ हमें जो प्रिंट करवानी है वो इंटरसेक्शन है, यानी जो चीज़ कॉमन है या जो चीज़ ऐसा लगता है कि कॉमन अगर है तो वो इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है, या एम्प्टी कर दे। ठीक है, इंटरसेक्शन में ये होता है जो कॉमन है वो हम लिख लेते हैं ना, तो लेकिन इसमें इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन ही नहीं है तो फिर हम लिखेंगे क्या। ठीक है, यूनियन मिला देता है, इंटरसेक्ट क्या करता है कि आप जो है वो इंटरसेक्ट क्या करता है, जो कॉमन होता है वो लिख देता है, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भैया यूनियन नहीं करना। ठीक है, इंटरसेक्शन करना है मुझे, इवन करना है और इसको सॉर्ट करना है, तो मेरे पास एम्प्टी आएगा क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ कॉमन कर दूं, जैसे 18, तो मेरे पास एक इंटरसेक्ट होके आ रहा होगा 18। ठीक है, जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है वो इंटरसेक्ट में आती है। सही है,
और सब्ट्रैक्ट करना हमने प्राइम नंबर से। सब्ट्रैक्टिंग प्राइम के साथ, ठीक है। अब जो प्राइम के साथ जब ये सब्ट्रैक्टिंग हो रहा है, इसमें कोई शॉर्ट वॉट अगर लगाना है तो लगा लो। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमने इसको प्ले करा और सब्ट्रैक्ट कर देगा जो अगर उसमें से मिलेगा उसे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ है नहीं तो ये मिल भी नहीं रहा और मिल नहीं रहा, जहर से वजह कि इसमें कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी में यह होता है कि आपकी की टाइप होती है और एक वैल्यू टाइप होती है। ठीक है, वेरिएबल एसटीडी डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिया, कॉलन लगाया और मैंने ये कहा अब जो इसकी कीज है ना वो दो तरह की होंगी, ठीक है। इंटीजर में की होगी और वैल्यू जो है वो इसकी स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ इक्वल लगाया और यहाँ हमने इस तरीके से देना शुरू कर दिया 101, ठीक है, कॉलन इस तरह, ठीक है, 102 कॉलन, ठीक है। फिर ये इस तरीके से जो है वो आप नाम लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो नाम हुए हैं अभी, इसी तरह हमारी सीरीज चलती रहेगी। 103 कॉलन, ठीक है, एंड सो ऑन। हम अपनी ये सीरीज चला सकते हैं और इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने कितनी देनी है, क्या करना है, लेकिन इसमें की और उसकी जो वैल्यू है वो आप डिफाइन कर देते हो। सही है, इसी के साथ हमारे पास नॉर्मल भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में वो, फिर की जो है वो खुद बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो खुद जनरेट कर रहा होता है अगर हम की नहीं देते। सही है, सिर्फ इनिशियलाइज करना हो, सिर्फ इनिशियलाइज का मतलब है कि मैं साथ में अभी वैल्यू नहीं देना चाह रही, तो सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए होता ये है कि आपने यहाँ पे लिख दिया डाटा, और इस तरह करके इनिशियलाइज कर लिया। यानी हमने उस वक्त नहीं बताया
कि हमारे पास आगे जो है वो वैल्यू क्या है क्या नहीं है, बाद में हम बता देंगे। तो हमने सिर्फ इसको इस तरह इनिशियलाइज करके छोड़ दिया, सही है। और वैल्यूज़ देनी है तो वैल्यू साथ में देनी होती है, तो फिर हम इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं भाई वैल्यू ये है। और बिना वैल्यू के अगर हम कर रहे होते हैं कि वो खुद डिसाइड कर ले, सिटी ले लो, इस तरह कर लो। ये डिपेंड है कि भाई डिक्शनरी के अंदर, ये फिर इंडेक्स खुद डिफाइन करेगा कि आपने जो है वो लेना किस तरीके से, डिक्शनरी ठीक है यूनिक की करके लेना है या जो भी आपने लेना है, ठीक है। तो मैंने लेट सपोज यहाँ पे ये दे दिया और सिटी है, इसी के साथ में यहाँ पे इसके डिस्टेंस भी बता रही हूँ, यानी मेरे पास दो एरे हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के डिक्शनरी बना लेंगे, किलोमीटर और ये फोर। इस तरह मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज दी है, सही है। अब इनको मुझे जो है वो क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है, इन दोनों को जैसे डिक्शनरी में करते हैं, एक मेरे पास ये रहेगा और एक मेरे पास ये रहेगा, इंडेक्स एंड जो भी है, ठीक है। लेट सिटी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिक्शनरी सिटी का नाम आएगा पहले, फिर उसका डिस्टेंस आएगा, ठीक है। मैंने कहा यूनिक कीज विद वैल्यूज है, जिप है, सिटी है और ये डिस्टेंस है। एक मिनट, ये एरर किस चीज़ का दे रहा है, बिल्ड करूँ फिर पहले। डोंट मैच वो तो जाना चाहिए, डिक्शनरी की स्पेलिंग भी सही है। चलो उसको देखना पड़ेगा, वरना ये हो तो जाता है। ये बेसिकली जो कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास सीक्वेंस बेस लाइन इनिशियलाइजेशन होता है, जिसमें हम की वैल्यू को पेयर कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं डिक्शनरी, जिसमें हम एरे से बेसिकली।
म्यूनी की विद वैल्यू वैल्यूज वैल्यूज पता नहीं ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। चलो उसको देख लेंगे बाद में देखते हैं। अगर ये हो जाता तो फिर इसके ऊपर फिल्टर लग जाता है कि भाई आप इसके ऊपर ये लगा सकते हो कि ऐसा कौन सा सिटी है जो कि जिसके डिस्टेंस इससे लेस देन है, तो वो उसका नाम बता देता है। ठीक है, ग्रुप वगैरह कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। ऊपर जो हमने डिक्शनरी दिया है उसको प्रिंट करा सकते हैं हम। ठीक है, उसको प्रिंट कराने के लिए फिर आप लूप में प्रिंट करा लो, डायरेक्ट प्रिंट करा लो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो कि हमने सिटी या स्टूडेंट्स के जो भी हमने नाम लिखे हुए हैं, ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे, की एंड वैल्यू की तरह प्रिंट होंगे। इस वाले को मैं फ़िलहाल कमेंट कर रही हूँ। फोर करेंगे, की कॉमा वैल्यू इन एसटीडी डेटा और उसके बाद डॉट इनमरेटेड। ठीक है, तो सेम इसमें वही आएगा। फ्रेंड स्टूडेंट डेटा स्टूडेंट आईडी स्लैश की स्टूडेंट नेम स्लैश वैल्यू सिलेक्शन। इसको रन करके दिखा देते हैं। ठीक है, की इसकी एरी और वैल्यूज की है। एक मिनट, ये इस तरह क्यों डिस्प्ले कर रहा है? पर की एंड वैल्यू तो ये ऐसे ही डिस्प्ले करता है। अच्छा, ये इंडेक्सिंग डिफ कर रहा है 0, 1, 2। सही है, और इसको जो डिस्प्ले कर रहा है वो इस तरह डिस्प्ले कर रहा है। वैल्यू में उसने की और वो दोनों बताए हुए। ठीक है, ये इसी तरह डिस्प्ले करेगा। अ
अलग से की करना है तो अलग से की आ जाएगी, और अलग से इसमें वो करना है तो वो अलग से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, की अलग जा सकती है और वैल्यू अलग जा सकती है, अगर लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे ये करते हैं, ऊपर मैंने स्टूडेंट डेटा बनाया हुआ ना, तो मैंने मेरे में स्टूडेंट वेरिएबल STDID ली और मैंने कहा STD जो ID है वो मेरे पास इंटीजर, ठीक है, STD डेटा डॉट कीज, ये कीज आ जाएंगे। कॉपी, पेस्ट, की ID, ठीक है, स्टूडेंट ID आ रही होगी यहाँ पे। अब आप सेपरेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी ID आ रही है स्टूडेंट की 101, और ये इसको फिर तुम सॉर्टेड कर लो, तो ये सॉर्ट, ठीक है, सॉर्टेड का मेथड है वो, इस पर अप्लाई कर दो तो ये सॉर्ट हुआ हुआ आ जाएगा। सही है, इसी तरीके से नाम है, नाम भी आप करना चाहो नाम भी कर लो, सही है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम चीज़ है, कॉपी करी, ठीक है, नीचे ही आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ID की जगह मैंने शो कर दिया नेम, सही, ये स्ट्रिंग हो गया तुम्हारा, कीज की जगह वैल्यूज आ जाएगा। कंटिन्यू कर रहे थे कि हमारे पास अब ये आ गया, ठीक है, इसी तरीके से कॉपी कर लो इसको, यहाँ पेस्ट कर दें आप, ठीक है, की जगह यहाँ आपके पास हो जाएगा वैल्यू, नेम इधर हो जाएगा वैल्यू, और ये हो जाएगा नेम, ठीक है, सही, एक ये है और ये इस तरह, समझ गया, बात समझ में आ गई। इस तरह सेपरेट कर सकते हो, इस तरह साथ में भी लिख सकते हो, एक ये इंडेक्स बता देगा और ये फिर इसकी कीज एंड वैल्यू इस तरह बता देगा, ठीक है, आप इसको देख लो, ठीक है, ये डिक्शनरीज होती है जिसमें कीज भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर ऑफ कर लेना।